नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सुंदर सा नेकलाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मटेरियल की। यहाँ पे हमने कुछ बटन लिए हुए हैं, बटन लगाएंगे। एक सिंपल पट्टी हमने बॉर्डर की ली हुई है, एक हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है जिसमें से हम नेकलाइन कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले नेकलाइन कटिंग करनी होगी, जिसकी हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे तकरीबन 8 इंच और डीप लेंथ रखेंगे तकरीबन यहाँ पे 5 इंच। इस निशान को इस निशान से हम राउंड शेप देते हुए इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। एक निशान हम बार की साइड लगाएंगे, तकरीबन 1.25 इंच का या 1 इंच का लगा लें ऐसे। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर पहले कटिंग करेंगे। ये हमने सिंपल नेकलाइन अपनी कटिंग कर ली है। अब हमें इसको ओपन कर लेना है फ्रंट को। यहां पे दोस्तों फ्रंट हमने ओपन कर लिया है और नेकलाइन रखेंगे हम इस तरीके से। ये हमारी यहां पे सिंपल नेकलाइन आएगी और अब हमें देखना है बॉर्डर हमें किस पॉइंट पे लगाना है। तो इधर से हम तकरीबन एक निशान लगाएंगे 2 इंच के ऊपर। हम ये गैप हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हम यहाँ पे इस निशान को मैंने 2 बोला था तो तकरीबन हम बॉर्डर भी आएगा हमारा 2 इंच पे, ये तैयार आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच का है हमारा बॉर्डर। और इस निशान को नीचे तक ऐसे लगाएंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सीधा ऐसे कर लेते हैं। और बॉर्डर की जो लेंथ रखेंगे हम ऊपर से तकरीबन रखेंगे 15 इंच तक। तो हमें यहां पे बिल्कुल सीधी ऐसे ही कटिंग करनी होगी ऐसे। और यहां पे नेकलाइन हमें साथ ही कटिंग कर लेनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने कटिंग कर ली है, नेकलाइन भी हमारी कटिंग हो चुकी है अलग अलग। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये नेकलाइन भी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेनी है दोनों साइड की अलग अलग। और इसको हम तैयार करते हैं पट्टी के साथ में, ताकि हम यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सके और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे एक डिजाइन आपको बना करके दिखा सके। क्योंकि ये बॉर्डर हमारा आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, और इसके बाद लुप्पी आएंगी और साइडों में यहाँ पे बटन लगेंगे कुछ इस तरीके का। यहाँ पे डिजाइन बनने वाला है ऐसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये नेकलाइन पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर और मशीन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, नेकलाइन हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। सिर्फ हमें जब पेस्ट करना होता है तो ये ध्यान रखना होता है, इनका जो गैप रखेंगे तकरीबन 3 इंच का कम से कम बीच में गैप रखेंगे, ताकि हमारी ये पट्टी के ऊपर इस तरीके से अच्छे से आ जाए। जो हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा, यहाँ पे हम कपड़ा ही यूज करेंगे, पेपर पेस्टिंग वहां पे नहीं होगी, तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे बीच में गैप छोड़ना होता है। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है डिजाइन को बनाने का तरीका। यहाँ पे दोस्तों, स्टिचिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पट्टी लगानी है हमें इस साइड, जिस साइड में हमें बटन लगाने होते हैं। और नीचे की साइड हमने कट लगा दिया है एक पैर चौड़ाई वाला, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो। तो इस पट्टी को हम रखेंगे नीचे ऐसे, और जितना हमने कट लगाया है यहाँ पे उतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधी साइड में ऐसे पलटते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस मार्जिन को अंदर की साइड लेते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
इसका सेम यही तरीका होता है पट्टी बनाने का, जैसे हम कुर्ता पट्टी तैयार करते हैं, तरीका वही है सेम। अब हमें यहाँ पे एक साइड तो जैसे हमने तैयार कर ली है, दूसरी साइड में हमें लगाना है बॉर्डर। तो ये हमारे पास बॉर्डर है, इसको हमें अटैच कैसे करना है अब आपने ये देखना है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से, पहले एक आधा इंच का फोल्ड, फिर जितना बॉर्डर रहता है उतना, और फिर हमने आगे की साइड ये करनी वाला पीस छोड़ा हुआ है। अगर आपके पास करने वाला नहीं है तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लें, पक्की लग कर लें ऐसे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते हैं यहाँ पे इसमें ऐसे, जैसे हमने फोल्ड लगाया हुआ है फोल्ड के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें ऐसे यहाँ पे सेट करना है इसको, और यहाँ पे जब फोल्ड करते हैं तो हमें कटिंग करनी होगी, जहां तक हमारी सिलाई आती है इससे एक पैर इस साइड में, या आधा इंच का भी ले सकते हैं एक पैर का भी, और यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं। ये हमने कट लगा लिया है, तो अब हमारा जो कपड़ा होगा ये अंदर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये कुर्ता पट्टी की तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पे ऐसे रेडी आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हो, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे ही यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई अगर हमें कुर्ता पट्टी पूरी ओपन रखनी हो तो हम अलग सिलाई लगाते हैं, अगर हमें यहाँ पे दबा के लगानी हो तो हम दबा भी सकते हैं पूरी पट्टी को, लेकिन हमने यहाँ पे ओपन रखनी है तो हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद नीचे वाली पट्टी भी सेट कर लेते हैं सीधी करते हुए, ताकि ये नीचे की साइड दब जाए, हमारी इधर सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से दबनी चाहिए। सेम तरीका वही होता है जैसे कुर्ता पट्टी हम तैयार करते हैं, वही तरीका है इसमें, और ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी झोल वगैरह ना पड़े, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कुर्ता पट्टी अपनी तैयार कर ली है। ये बस सिर्फ हमने साइड में की है इस तरीके से साइड में। अब हमें यहाँ पे नेक लाइन तैयार करनी है, जो हमने नेक आपको पेस्ट करके दिखाया था वो तैयार करते हैं। ये नेक लाइन करनी है हमें इस पॉइंट पे तैयार इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें यही मैंने शुरुआत में बताया था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये वाला लेना होगा हमें इस तरीके से, ये तो यहाँ पे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ही तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमें बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये फोल्ड करना होगा।
हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और ये हमने निशान लगाया हुआ है साइड का ऐसे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे नेक लाइन। और इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के इस तरीके से कट लगाएंगे। अब हम इस तरीके से इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं, और जो ये मार्जिन है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से। दोस्तों हमने यहाँ पे ये नेक लाइन प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। जो नीचे की साइड आएगी यहाँ पे आपको इस तरीके से आएगी देखने में। ये हमने अंदर फोल्ड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होती है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से नेक लाइन बनानी है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ताकि हम बिल्कुल भी कोई गड़बड़ ना करें। और जितना हमने इधर से शोल्डर रखा है ये है हमारा 3.25 इंच, उतना ही हम इधर से निशान लगाएंगे शोल्डर का 3.25 इंच पर। और पहले ये वाला बाहर वाला कपड़ा ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अब हम ऊपर और नीचे के हमने निशान लगा लिए हैं, इन्हीं के ऊपर यहाँ पे रखते हैं नेक लाइन को ऐसे, और सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे भी 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। गोलाई में हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे। और इसको भी अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे, और प्रेस से यहाँ पे भी इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो दोस्तों दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए। यहाँ पे भी तुरपाई हो जाएगी तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे डोरी लगानी है। डोरी हमने कुछ इस तरीके से ये बनाई हुई है, ऐसे छोटे छोटे इनके पीस किए हुए हैं, और इनको हमें अटैच करना है तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से, और इस साइड से हम अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नीचे वाली पट्टी भी दब जाएगी और यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी सेव आएगी, और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है डिजाइन। अब थोड़ा गैप फिर लेंगे तकरीबन 1.5 इंच का, और बाहर की साइड हमें ध्यान रखना है इतना ही नजर आनी चाहिए पट्टी जितनी की हमारी पहली पट्टी है डोरी वाली। और यहाँ पे सीधी सिलाई लगाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है।
ये सिलाई हमें ऊपर तक नहीं ले जानी है, सिर्फ हमें इतना हिस्सा ओपन रखना होता है, तभी हमारा यहाँ पे नेक लाइन बहुत ही प्यारा सा नजर आएगा। अब हमें हर डोरी के बीच में एक एक बटन लगा देना है। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, हर लुप्पी के बीच में हमने एक एक यहाँ पे बटन लगा लिया है। टोटल हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बटन टोटल यहाँ पे लगे हैं। आप कम ज्यादा भी इनको कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और सिर्फ बात करें ओपन हिस्से की, सिर्फ हमारा यहाँ पे इतना ही हिस्सा ओपन होगा यहाँ पे, ये बाकी हमारा पूरा ये बंद रहेगा। यहाँ से हम यहाँ तक हमने बंद कर लिया है। अगर आप इसको पूरा ओपन रखना चाहिए तो पूरा ओपन भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर लगाते हुए यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन आपको कुर्ती की बना करके दिखाई है। और ये साइड नेक जो हमने पट्टी लगाई है, ये गर्लिश स्टाइल वाला नेक लाइन है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। ये टॉप में और कुर्ती में और अम्ब्रेला सूट में किसी में भी आप यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन रेडी कर सकते हो। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।